हेलो, वेलकम टू एनलाइवनिंग इंडिया। दोस्तों, वोकैबलरी ऑफ द डे में आज हम देखेंगे वोकैबलरी के कुछ शब्द जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, हमारा आज का पहला वर्ड है डिफेमेशन। दोस्तों, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि करना, बदनामी करना, अपयश फैलाना या अपवाद फैलाना या किसी व्यक्ति की निंदा करने को हम डिफेमेशन बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिनिग्रेशन, डेप्रिसिएशन, लाइबल और स्लैंडर। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेज, फ्लैटरी या अप्रूवल। तो आप ये देख रहे हैं, ये लोग काफ़ी इस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं या इसकी बदनामी कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डिफेमेशन बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक होना या निश्चायक होना, अंतिम होना या निर्णयात्मक होना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंपेलिंग, कन्विंसिंग, डिसिसिव, इररिफ्यूटेबल, प्रिसाइज या अनएम्बिगस। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एम्बिगुअस, डिस्प्यूटेबल, ड्यूबियस। तो आप ये देख रहे हैं कि जब कोई भी जज डिसीजन देता है अपना फाइनल, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डिसीजन ये एक उनके पास एक ये ऐसा हथौड़ा जैसा रहता है, इसको रिवोक कर देते हैं, मतलब इसको बजा देते हैं कि ये फाइनल और इरिवोकेबल है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना, पीछा करना, लक्ष्य का पीछा करना या पीछे लगे रहना किसी भी चीज़ के। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे गो आफ्टर, सीक, अकम्पनी, अटेंड, बैजर, बेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे लीव, स्टॉप, डिसकंटिन्यू या एस्क्यू, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति काफ़ी लगन के साथ ये पहाड़ को चढ़ रहा है, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडेंचर। दोस्तों, इंडेंचर का मतलब होता है इकरारनामा करना या करारनामे को हम इंडेंचर बोलते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड, अग्रीमेंट या किसी भी पेपर वर्क करके इकरार कर लेना कि वी जस्ट अग्रीड, मतलब हम अग्रीमेंट जो कर रहे हैं उसमें हम दोनों पार्टनर अग्रीड हैं। तो एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिसअग्रीमेंट, रिफ्यूज़ल या डिनायल। तो इंडेंचर एक प्रकार का एक विल और अकॉर्ड भी से कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है बहुत ही आसान होना, सरल होना, सुगम होना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एफर्टलेस, ग्लिब, हेस्टी, एड्रॉइट या ईजी। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे आर्डुअस, कॉम्प्लिकेटेड या कन्फ्यूजिंग। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ काफ़ी आसान है, आसानी से सॉल्व हो जा रही है, तो वो कैसी है? फैसाइल है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब होता है सूखा, निर्जलीकृत करना, शुष्क करना या शोषित करना, किसी भी चीज़ से पानी को पूरी तरीके से हटा देना, सुखा लेना किसी चीज़ को। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिहाइड्रेट, ड्राई, ड्रेन, डिवाइटलाइज, विदर या श्रिविल। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डैम्पन, एक्सपैंड, फिल, ग्रो या मॉइस्चराइज। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, एक सूखा नारियल है या डेसिकेटेड कोकोनट भी इसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम मिठाई बनाने में या काफ़ी बर्फ़ी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइनेटरी। दोस्तों, माइनेटरी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में किसी को डराए या धमकाए, या डराने वाला या धमकाने वाले व्यक्ति को हम माइनेटरी बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रेसिव, अलार्मिंग, बेनफुल, बुलिंग। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे काम, ईजी गोइंग, लेड बैक। तो आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति कैसे इस व्यक्ति को धमका रहा है, बुलिंग कर रहा है या माइनेटरी, ये कैसे प्रकार का व्यक्ति है? माइनेटरी किस्म का व्यक्ति है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैरोट। गैरोट का मतलब होता है गला घोटना या चोक कर देना एकदम से। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चोक, ब्लॉक, क्लॉग, गैग, ड्राउन। एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्री, लेट गो, लूज।
तो आप ये देख रहे हैं ये एक चैम्पियनशिप में दो प्लेयर्स के बीच में कैसे इसने इसका गला गैरोट कर दिया है या चोक कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन होना, असावधान होना, इच्छा रहित होना या बेपरवाह होने को हम लिस्टलेस बोलेंगे। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ड्राउजी, डल, इनर्ट, लैकाडाइसिकल, लैंग्विड। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्टिव, अलर्ट, अलाइव या एनिमेटेड। तो आप ये देख रहे हैं ये काफ़ी लिस्टलेस है ये पपी छोटा सा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लोजर। दोस्तों क्लोजर का मतलब होता है समापन, बंद होना, अंत या संवरण करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे टर्मिनेशन, स्टॉपेज, क्लोजिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे बिगनिंग, स्टार्ट या ओपनिंग। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को बंद करना या उसकी समाप्ति करने की प्रक्रिया को हम क्लोजर बोलेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।